तो उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ एक के बाद एक लगातार पर्दाफाश करे और इसी बीच हत्याकांड से 5 दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जी हाँ, इस सीसीटीवी फुटेज में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के शार्प शूटर साबिर के साथ होने का भी दावा किया गया और इसके अलावा बरेली पुलिस ने अतीक अहमद के रिश्तेदार सद्दाम का घर भी सील कर दिया है। अब आप समझिए, जिसके लिए एसआईटी पूरे दलबल के साथ सद्दाम के घर पहुंची थी। उमेश पाल हत्याकांड में चौंकाने वाला पर्दाफाश। हत्याकांड से पहले का सीसीटीवी आया सामने। शूटर के साथ दिखी अतीक की पत्नी। दावे के मुताबिक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन 19 फरवरी के एक सीसीटीवी वीडियो में नजर आई। इस वीडियो में शूटर साबिर के सफेद शर्ट में होने की बात सामने आई। साबिर पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम घोषित किया है। दावा है कि 19 फरवरी को रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी, जो प्रयागराज शूटआउट में शामिल था। उमेश पाल हत्याकांड में 13 शूटर्स के शामिल होने का आरोप है, जिसमें 6 शूटर्स की तस्वीर भी सामने आई, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। घटना के बाद से शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु और असद फरार है। पुलिस और एसटीएफ की टीम इन्हें ढूंढ रही है। सूत्रों की माने तो असद अतीक अहमद का अकाउंटेंट है, जो शूटर बल्ली के साथ मिलकर अतीक की प्रॉपर्टी का काम देखता है। दावा है कि अतीक ने असद और बल्ली की पत्नी के नाम बेनामी संपत्ति करवा रखी है, जिनमें करोड़ों की जमीन और कई मकान शामिल है। अतीक के रिश्तेदार पर एक्शन। शिकंजे में अतीक का पूरा खानदान। अतीक के रिश्तेदार सद्दाम का घर सील। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ और पुलिस अतीक अहमद के करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बरेली पुलिस ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम का घर भी सील कर दिया। बताया गया है कि इस किराए के घर में सद्दाम नाम बदलकर रह रहा था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक से जुड़े लोग पुलिस के रडार पर है। देखिए, बरेली स्थित फाइक एनक्लेव है, जहां पर जो अभियुक्त सद्दाम है यहां पर किराए पर रहता था, और इस संबंध में एक 420/467/68 का मुकदमा थाना बारादरी पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें बिना किसी आईडी के और बिना किसी रेंट एग्रीमेंट के ये व्यक्ति रह रहा था, जिसमें मकान मालिक के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। उसी घर में जो कि सीन ऑफ क्राइम है और जिस फ्लोर में सद्दाम रहता था, उसको सील करने की कार्रवाई विवेचक द्वारा की गई। और इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सद्दाम का घर सील कर दिया। इससे पहले पुलिस ने बरेली से ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर अतीक के भाई अशरफ से जेल में गैर कानूनी तौर पर बिना आईडी के मिलने का आरोप। तो उधर यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद और उसके गुर्गों की क्राइम कुंडली तैयार कर ली है, और जिसके आधार पर पुलिस अतीक गैंग और उसके रिश्तेदारों पर बड़ी कार्रवाई करने की इस वक्त तैयारी कर रही है। देखिए क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले आपको समझाते हैं। बताया गया कि बाहुबली अतीक अहमद पर कुल मिलाकर 187 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें अतीक पर अकेले धोखाधड़ी के ही 115 आपराधिक मुकदमे हैं। जबकि आपको बताएं, अपहरण, हत्या, गैंगस्टर और एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 50 मामले दर्ज हैं। तो वही एसटीएफ ने अतीक गैंग के 34 लोगों की भी क्राइम कुंडली खंगाली है, जिसमें उसके परिवार के लोग और रिश्तेदार मिलाकर कुल 13 लोग शामिल हैं।